नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बिहार के मधेपुरा के बीएन मंडल स्टेडियम में आज आयोजित अखिल भारतीय यादव महासभा के शताब्दी समारोह कार्यक्रम के दौरान मंच पर पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। इस दौरान मंच से स्थानीय पूर्व सांसद सह जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने लोगों को संबोधित कर रहे थे कि इसी बीच सुपौल के पिपरा विधानसभा के पूर्व राजद विधायक रघुवंश यादव के समर्थकों ने पप्पू यादव का विरोध करते हुए लालू यादव जिंदाबाद का नारा लगाने लगे। जैसे नाराज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव मंच से माइक फेंक कर नीचे उतर गए, वहीं आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर रहे युवक की जमकर धुनाई कर दी। घंटों कार्यक्रम के दौरान आपस में फाइटिंग चलती रही, बाद में किसी तरह मामला शांत हुआ। दरअसल मधेपुरा में यादवों को आगामी चुनाव में एकजुट करने हेतु यह कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय यादव महासभा के बैनर तले किया गया था, लेकिन कार्यक्रम के दौरान ही अफरा तफरी मच गया। हालांकि पप्पू यादव ने पहले तो युवक को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन जब वह शांत नहीं हुए तो वह माइक रखकर मंच से जाने लगे। मंच पर मौजूद लोगों ने पप्पू यादव को मनाने की भरसक कोशिश भी की, लेकिन वह माइक फेंक कर मंच से नीचे उतर गए। इसके बाद थोड़ी देर के लिए मंच के समीप भगदड़ मच गया। पप्पू यादव के समर्थक ने उस युवक की फिल्मी स्टाइल में जमकर पिटाई कर दी। बाद में मौजूद लोगों ने उसको भीड़ से बचाकर मंच पर ले गए। कार्यक्रम में नहीं पहुंचे लोग खाली रह गए ज्यादातर कुर्सियां। बता दें कि यादव महासभा के शताब्दी समारोह की तैयारी काफी दिनों से की जा रही थी। आयोजक मंडल की ओर से कार्यक्रम में लगभग 1 लाख लोगों के पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन पंडाल में लगी आधे से अधिक कुर्सियाँ खाली पड़ी रह गई। पूरे कार्यक्रम में अव्यवस्था चरम पर था। मंच पर भी अफरा तफरी का माहौल रहा। वही कार्यक्रम में भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव भी पहुंचे थे। हंगामे के मामले को शांत कराने के लिए गाना भी प्रारंभ किया, लेकिन मामला उलझता चला गया, जिसके बाद कार्यक्रम बंद कर दिया गया। न्यूज नाइन भारत के लिए मजीद की खास रिपोर्ट। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।